नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 5 जुलाई। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या में हुई बढ़ोतरी। बिहार में कोविड 19 प्रभावितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बीते दिन जारी किए गए पहले अपडेट तक 349 नए मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद बिहार में प्रभावितों की कुल संख्या 11,460 हो गई है। पाए गए मामलों में प्रभावित जिलों की बात करें तो औरंगाबाद में 2, बांका में 2, भागलपुर में 14, भोजपुर में 20, बक्सर में 2, दरभंगा में 14, गया में 34, गोपालगंज में 13, जमुई में 1, कैमूर में 3, खगड़िया में 16, किशनगंज में 4, लखीसराय में 1, मधेपुरा में 6, मधुबनी में 5, मुंगेर में 5, मुजफ्फरपुर में 44, नालंदा में 19, नवादा में 6, पश्चिम चंपारण में 21, पटना में 24, रोहतास में 7, सहरसा में 53, समस्तीपुर में 2, सारण में 24, शेखपुरा में 1, सीतामढ़ी में 1, वैशाली में 5 मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ कोविड 19 से ठीक होने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए शाम 4 बजे तक के अपडेट के अनुसार कोविड 19 से अब तक बिहार में 8,488 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं अब तक 88 लोगों की जान भी जा चुकी है। कोविड 19 संक्रमण पर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने दी अपनी प्रतिक्रिया। बिहार में कोविड 19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं मामलों में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि कोविड 19 खत्म नहीं हुआ है। अनलॉक 2 का मतलब ये नहीं है कि कोरोना खत्म हो चुका है। पहले की तरह ही रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक बंद का माहौल जारी है। कई देशों ने कोविड 19 के सामने घुटने टेक दिए हैं, इसलिए मास्क जरूर पहने क्योंकि यह आंख नाक मुंह से ही अंदर घुसता है। शादी विवाह में ना जाए, पालीगंज का शादी समारोह का उदाहरण आपके सामने है। निर्वाचन आयोग ने की प्रवासियों को मतदाता बनाए जाने की मांग। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार को मुख्य आदेश जारी किया है, जिसके तहत बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीनिवासन ने सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी को निर्देश जारी करते हुए साफ तौर पर कहा है कि बंद के दौरान बिहार लौट आए प्रवासियों का नाम मतदाता सूची से जोड़ा जाए, जिनका नाम सूची में नहीं है, ताकि बाहर से वापस लौटे प्रवासी मतदान योग्य बने और चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। बिहार को टिड्डी मुक्त बनाने का किया गया दावा। बिहार में टिड्डी दल के आने से कृषि विभाग समेत सभी किसानों की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि कृषि विभाग ने यह दावा किया है कि राज्य में प्रवेश करने वाली सभी टिड्डी दल का उपचार हो गया है। दलों में शामिल सभी टिड्डियों से छुटकारा मिल गया है। बची हुई टिड्डियों को भी जल्द ही भगाने का काम किया जा रहा है, जिसके तहत विभाग में मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने बताया कि स्थिति पूरी तरीके से हमारे नियंत्रण में है। बीते दिन तक किसी भी जिले में टिड्डी दल के होने की सूचना नहीं मिली है, ना ही फसलों की बर्बादी की कोई खबर सामने आई है। बिहार विधान परिषद के सभापति निकले कोविड 19 पॉजिटिव। बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह कोविड 19 पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसकी पुष्टि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की गई है। जानकारी के अनुसार सभापति अवधेश नारायण सिंह में कोरोना की जांच रिपोर्ट की गई थी, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इतना ही नहीं, घर के अन्य कई सदस्य भी रिपोर्ट में पॉजिटिव पाए गए, यानी कि कुल मिलाकर 7 लोग पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद सभी को पटना एम्स में भर्ती करवा दिया गया है। सिर्फ अवधेश नारायण सिंह ही नहीं, बल्कि इसके पहले भी कई प्रमुख नेता कोविड 19 प्रभावित पाए जा चुके हैं। ग्रामीण छात्रों को खेल खेल में शिक्षित कर रही है शिक्षा सहेली माँ। शिक्षा सहेली माँ के नाम से मशहूर शिक्षित महिलाओं का दल मुजफ्फरपुर और गया जिले के 37 गांव में छात्रों को शिक्षित करने का काम कर रहा है। गांव में ऐसी माँ के चयन करने वाली स्वयंसेवी संस्थान ज्योति महिला समाख्या की सदस्य पूनम कुमारी ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया है कि बंद में सबसे अधिक वंचित समाज के छात्र की पढ़ाई बाधित हो रही है। यह छात्र गाँव के खेतों में घूम कर समय बर्बाद कर रहे हैं और यह छात्र खेल खेल में पढ़ सके, इसलिए 7 सामाजिक संस्थाओं ने मिलकर एक योजना बनाई है और योजना के अनुसार काम किया जा रहा है। बिहार में मास्क पहनना हुआ अनिवार्य। बिहार में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि कोविड 19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में लोगों की लापरवाही भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए सूचना एवं जनसंपर्क सचिव अनुपम कुमार ने बीते दिन अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि कोविड 19 की वर्तमान स्थिति को लेकर सरकार द्वारा सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मास्क का प्रयोग करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन करें। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी बताया है कि मास्क नहीं पहनने वालों से ₹50 का जुर्माना लगाया जाएगा, साथ ही 2 मास्क मुफ्त में दिए जाएंगे। 2 मास्क मुफ्त वितरण का उद्देश्य है कि मास्क पहनने के लिए सभी लोग प्रेरित हो। अब देश भर के किसानों को खेती के टिप्स देगा मोबाइल मैसेज हब। किसानों को खेती के टिप्स देने के लिए कृषि विश्वविद्यालय में किसानों से जुड़कर समय पर सही सलाह देने के लिए मोबाइल मैसेज हब बनाने की तैयारी कर ली है, जिसके तहत पंजाब समेत अन्य राज्यों के मुकाबले बिहार में उत्पादन बढ़ाने के लिए मैसेज हब का इस्तेमाल किया जाएगा। हाल में कृषि क्षेत्र में यह सर्वे से पता चला है कि बिहार के किसान पंजाब के किसानों से ज्यादा काम करते हैं और खेतों में डालते हैं, बावजूद पंजाब से उपज कम बिहार में होती है, क्योंकि किसानों को सही जानकारी नहीं मिल पाती है।
दरभंगा में रामबाग परिसर के तालाब में मिली अद्भुत मछली। बिहार के दरभंगा जिले में एक अनोखी मछली बीते दिन पाई गई है। स्थानीय लोगों की माने तो दरभंगा राज्य के ऐतिहासिक रामबाग परिसर के तालाब में अजीबोगरीब रंग रूप और संरचना वाली मछली को मछुआरों ने पकड़ा है। मिली जानकारी के अनुसार इस मछली का रंग काला है और शरीर पर भूरे रंग की छींट जैसे निशान मौजूद है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यह मछली दरभंगा महाराज के राज्य में पंचवली मछली के से काफी हद तक मिलती है। वहीं मछुआरों ने बताया है कि रामबाग के गेट पर मछली की दुकान लगाते हैं। बीते दिन यह मछली उनके जाल में फंसी थी। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने के लिए राजद को दिए गए अल्टीमेटम के समय सीमा हुई खत्म। हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी द्वारा राजद को कोऑर्डिनेशन कमेटी के गठन के लिए दिया गया अल्टीमेटम की समय सीमा अब खत्म हो गई है, जिसके साथ ही मांझी ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया है। इसके बाद राजनीतिक गलियारे में ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद मांझी जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा है कि हमारा अल्टीमेटम खत्म हो चुका है, अब किसी भी निर्णय के लिए जीतन राम मांझी स्वतंत्र है, वे जल्द बड़ा फैसला लेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोविड-19 की रिपोर्ट आई सामने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोविड-19 की रिपोर्ट सामने आ गई है। दरअसल बीते दिन विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह कोविड-19 संक्रमित पाए गए थे और ये सभी 1 जुलाई को विधान परिषद की बैठक में शामिल हुए थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने संभावित संक्रमण को देखते हुए सबके सैंपल दिए गए थे। हालांकि अब उनकी रिपोर्ट सामने आ गई है। खबरों की माने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा सीएम हाउस के तमाम अधिकारी और कर्मी की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है, जिसके बाद सभी को राहत की मिली है। मौसम विभाग ने कई जिलों में तेज बारिश की जताई संभावना। मौसम विभाग के कई जिलों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है, जिसके तहत मौसम विभाग में 15 जिलों के लिए सतर्कता जारी कर दी गई है। विभाग के अनुसार राजधानी पटना समेत आसपास के कई जिलों में तेज बारिश होगी और अब तक सामान्य से 62% अधिक बारिश दर्ज की जा चुकी है। वहीं आज मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पटना समेत आसपास के जिले में आकाशीय बिजली की आशंका सबसे ज्यादा है। विभाग में भोजपुर, पटना, सारण, वैशाली, बक्सर, रोहतास, जहानाबाद, अरवल, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, गया, औरंगाबाद जिले में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 2 लाख बैलेट यूनिट की जांच हुई शुरू। बिहार विधानसभा चुनाव का आयोजन इस साल करवाया जाना है, जिसको ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। वहीं इसको लेकर के सभी 38 जिलों में करीब 2 लाख बैलेट यूनिट की जांच की प्रक्रिया भी शुरू करवा दी गई है। इन जिलों में कुल 1,95,000 बैलेट यूनिट मिल चुके हैं। इन बैलेट यूनिट में ही मतदाता अपने वोट देने का काम करेंगे। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिकल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने सभी जिलों में ईवीएम उपलब्ध करा दी है। नियोजित शिक्षकों को सेवा शर्त देने के लिए सरकार ने बुलाई अहम बैठक। बिहार में 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षक का सेवा शर्त लागू करने के लिए बिहार सरकार ने बैठक बुलाई है, जिसके तहत राज्य के नियोजित शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों की सेवा शर्त में सुधार के लिए 11 अगस्त 2015 को गठित कमेटी को पुनर्गठित करने पर मुहर लगा दी गई है, जिसके बाद अब जाकर के कैबिनेट की मंजूरी के बाद सेवा शर्त कमेटी की बैठक बुलाई गई है। बिहार सरकार ने 2 दिन पहले ही सेवा शर्त में सुधार को लेकर गठित कमेटी का पुनर्गठन किया था। बिना मास्क के टैक्सी चलाने पर 3 दिन के लिए जब्त हो जाएंगी गाड़ी। कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के बीच बिहार में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके बाद अब सार्वजनिक और निजी गाड़ी चालकों को भी सख्ती से समझाते हुए मास्क पहनने की नसीहत दी गई है। इस संबंध में प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने पटना के डीएम कुमार रवि और ट्रैफिक एसपी अमरकेश डी को निर्देश दे दिया है, जिसके तहत यह साफ तौर पर कहा गया है कि अगर कोई भी ऑटो, टैक्सी, बस चालक या कोई भी दूसरी गाड़ी चलाते वक्त मास्क नहीं लगाते हैं तो उनकी गाड़ी को 3 दिनों के लिए जब्त कर लिया जाएगा, जिसके लिए राजधानी में स्पेशल जाँच मुहिम की शुरुआत होगी। डॉक्टर प्रेम कुमार ने लेमन ग्रास की खेती को लेकर दिए कई सुझाव। बिहार के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के तहत संचालित हो रही पौधों की खेती की योजना की जानकारी मगध प्रमंडल के उपनिदेशक उद्यान राकेश कुमार सैनी को दी है, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि किसानों की खेती से ज्यादा लाभ दिलाने के लिए राज्य सरकार की योजनाओं पर काम कर रही है। उसी में से एक योजना संगधीय पौधे की खेती की है, जिसके अंतर्गत नींबू की सुगंध वाले पौधे, लेमन ग्रास, गुलाब की खुशबू वाले, पाम रोज, मच्छर भगाने में उपयोगी साबित होने वाले पौधों की खेती जोर शोर से की जा रही है। आकाशीय बिजली गिरने की वजह से 20 लोगों की गई जान। आकाशीय बिजली गिरने की वजह से 5 जिलों में 20 लोगों की जान चली गई है, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने अपनी गहरी शोक संवेदना भी व्यक्त की है। मिली जानकारी के अनुसार आकाशीय बिजली की वजह से भोजपुर में 9, छपरा में 5, कैमूर में 3, पटना में 2, बक्सर में 1 व्यक्ति की जान चली गई है, जिसके बाद जान गंवाने वाले आश्रितों को 4-4 लाख की अविलंब अनुग्रह अनुदान देने का निर्णय मुख्यमंत्री ने जारी कर दिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि सभी लोग खराब मौसम में पूरी सतर्कता बरतें और घर से बाहर जरूरत पड़ने पर निकले।
पूर्व जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा को बनाया गया मानवाधिकार आयोग का चेयरमैन। पूर्व जस्टिस विनोद कुमार को मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार सौंप दिया गया है। बिहार सरकार के गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही लंबे अरसे से खाली चल रहे राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर सरकार ने विनोद कुमार सिन्हा की तैनाती कर दी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, विनोद कुमार सिन्हा इसी साल अप्रैल महीने में पटना हाईकोर्ट से रिटायर हुए हैं। वहीं विनोद कुमार सिन्हा की नियुक्ति आयोजित बैठक में सहमति के बाद हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से गदगद हुए नेतागण। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत बिहार समेत 7 राज्यों के साथ समीक्षा बैठक की थी। डिजिटल समीक्षा बैठक में इन राज्यों में कोविड-19 की तैयारी की जानकारी ली गई। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में कोविड-19 से जारी जद्दोजहद की सराहना की है। पार्टी नेताओं के कामों की सराहना करते हुए उन्होंने मघी में सभी को संबोधित किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि लोग कह रहे कि बिहार में गरीबी बा, कोरोना खूब फैली, लेकिन रहुआ कार्यकर्ता साथी लोग अभिनंदन के पात्र बानी। जा सब लोनी ऐसन इंतजाम कहीं कि सब कुछ ठीक रहल और सब केहू गलत साबित बहेल। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगाए आरोप। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बिहार सरकार पर पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को लेकर आरोप लगाते हुए कहा है कि वो सरकार की नीतियों के खिलाफ 5 जुलाई को 5 किलोमीटर साइकिल चलाकर हर पंचायत में पेट्रोल डीजल के बढ़ते कीमत का विरोध करेंगे। जिसके लिए तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि मजदूरों को दाने दाने से मोहताज करने वाली सरकार पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ाकर किसके लिए तिजोरी भर रही है। तानाशाही जनविरोधी सरकार को झुकाएंगे, हर पंचायत से विरोध का बिगुल बजाएंगे, 5 जुलाई को 5 किलोमीटर साइकिल चलाएंगे। ब्रज का भ्रमण करने पहुंचे तेज प्रताप। बिहार में जारी सियासी उठापटक के बीच बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को छोड़कर राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पिछले करीब 7 दिनों से मथुरा में रहकर ही राधा कृष्ण से जुड़े स्थलों का दर्शन कर रहे। धोती कुर्ता धारण करके माथे पर तिलक लगाकर तेज प्रताप यादव वेश में भ्रमण करते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि बिहार में इस बार नीतीश कुमार की सरकार की जगह इस बार राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बने, इसके लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और यही कारण है कि वो ब्रज में दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनोवेशन चैलेंज ऐप को किया लॉन्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखते हुए डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत इनोवेट चैलेंज लॉन्च किया है, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर साझा करते हुए लिखा है कि आज तक और स्टार्टअप समुदाय में विश्व स्तरीय मेड इन इंडिया ऐप बनाने के लिए भारी उत्साह है। उनके विचार और उत्पाद की सुविधा के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी और अटल इनोवेशन मिशन आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं। कुलदीप यादव ने महेंद्र सिंह धोनी को लेकर कही अहम बात। महेंद्र सिंह धोनी की कमी मैदान में उनके प्रशंसकों के साथ साथ कुछ खिलाड़ियों को भी जरूर खलती है। उसमें से एक खिलाड़ी हैं कुलदीप यादव। भारतीय टीम के लेग स्पिनर कुलदीप यादव को हर मैच में उनकी कमी खलती है और उनका मानना है कि विकेट के पीछे पूर्व कप्तान के रहने से उनके जैसे गेंदबाजों को काफी मदद मिलती है और बल्लेबाजों का सामना करने की हिम्मत मिलती है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि धोनी फील्ड जमाने में काफी माहिर है, उन्हें पता है कि कब कौन सी गेंद खेलनी है। इसके साथ ही उन्होंने इस बात का अंदाजा भी होता है कि बल्लेबाज कहां शॉट खेलेगा, उसी के हिसाब से फील्ड लगाते हैं। यकीनन अब मैदान पर उनकी कमी ज्यादा खलती है। सुशांत सिंह राजपूत को याद कर भूमिका चावला ने शेयर की एक इमोशनल पोस्ट। सुशांत सिंह राजपूत के साथ फिल्म धोनी में उनकी बहन की भूमिका निभाने वाले भूमिका चावला ने बीते दिन सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के एक इमोशनल पोस्ट शेयर की है, जिसके तहत उन्होंने लिखा है कि मैंने एक ही फिल्म में तुम्हारे साथ काम किया था और एक बार फिर से मैं तुम्हारे साथ एक जुड़ाव महसूस कर पा रही हूँ। क्या वो डिप्रेशन था, कोई पर्सनल बात थी, तुम उस बारे में बात कर सकते थे? हाँ, मैं जानती हूँ कि यहाँ पर सर्वाइव करना आसान नहीं है। मैं यहाँ इनसाइडर या आउटसाइडर की बात नहीं कर रही। यहाँ सही है कि 50 से ज्यादा फिल्म करने के बावजूद भी मुझे इंडस्ट्री में किसी से भी कनेक्ट करने में मुश्किल होती है, लेकिन मैं ईश्वर की शुक्रगुजार हूं कि मैं अभी भी काम कर रही हूं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है अमरेश कुमार, मंधु सिंह, पूजा कुमारी, सबरी आलम, नंद स्टार, आहुति कुमारी, जागृति कुमारी, प्रमोद कुमार, विजय कुमार, पवन झा, नीतीश कुमार, रवि राजपूत, अनिल कुमार, रीना कुमारी, राहुल यादव। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार की पहचान किन वजहों से है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।